स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आई एम जॉन्स हर्ट का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसी वीडियो बनाते रहता हूं। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। लेट्स स्टार्ट विथ ओवरवेट। आओ ओवरवेट से शुरू करते हैं। ओवरवेट का अर्थ है अत्यधिक वजन या मोटापा, तो आओ मोटापे से शुरू करते हैं। जॉन्स जोक्स अबाउट हिज मिडिल एज स्प्रेड। जॉन्स मजाक करता है अबाउट हिज मिडिल एज स्प्रेड, अपने मध्य आयु के समय शरीर के फैलाव के बारे में। मध्य आयु में शरीर फैल जाता है, मोटा हो जाता है, इस बारे में जॉन्स मजाक करता है। बट इट इज नो लाफ्टिंग मैटर, लेकिन यह मजाक का मामला नहीं है। एवरी किलो ऑफ एक्सेस फैट कंटेन्स सम 700 किलोमीटर ऑफ कैपिलरीज थ्रू विच आई हैव टू पुश ब्लड। प्रत्येक एक किलो की अधिकता, शरीर में जो एक किलो वसा या चर्बी अधिक जमा हो जाती है, उसमें उसके प्रत्येक किलो में 700 किलोमीटर की नलिकाएं होती हैं, जिन नलिकाओं में से मुझे रक्त को या रक्त का प्रवाह करना होता है, रक्त का संचार करना होता है। In addition to the work of carrying around each extra kilo, और इसके अलावा प्रत्येक अतिरिक्त किलो के लिए, in addition to work of carrying around each extra kilo, इसके अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त किलो के लिए, प्रत्येक अतिरिक्त वसा का जो किलोग्राम होगा उसके लिए मुझे इतना कार्य करना होता है। मतलब एक किलो वेट अगर आपका बढ़ गया तो आपके हृदय को, आपके हार्ट को 700 किलोमीटर नलिकाओं में, 700 किलोमीटर लंबी नलिकाओं में ब्लड को पुश करना होगा। तो सोचिए कितना ज़्यादा कार्य बढ़ जाता है हृदय का अगर आपका वेट एक किलो बढ़ता है तो। दैट ब्रिंग्स मी टू जॉन्स ब्लड प्रेशर। और यह सब, और इन सब कारणों से मैं जॉन्स के लिए रक्तदाब लाता हूं या रक्तदाब का कारण बनता हूं। इट इज 140/90। यह 140/90 है द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल फॉर हिज एज। उसकी उम्र के लिए सामान्य रक्तदाब का उच्चतम 140/90। द 140 मेजर्स द प्रेशर आई वर्क अगेंस्ट वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग। 140 या 140 उस रक्त के दबाव का मेजरमेंट है या मापन है जो दबाव मैं महसूस करता हूँ हृदय की सिकुड़न के द्वारा। जब हृदय सिकुड़ता है और रक्त को ढकेला जाता है तो मैं 140 का दबाव महसूस करता हूँ। एंड द 90 इज द प्रेशर व्हाइल आई एम रेस्टिंग बिटवीन बीट्स। जबकि 90 उस रक्तदाब को बताता है जो मैं महसूस करता हूँ आराम के दौरान, हृदय की धड़कनों के बीच जब मैं आराम कर रहा होता हूँ तो 90 की रीडिंग रक्तदाब को बताती है जो निम्न सीमा है। द लोअर फिगर इज द मोर इम्पोर्टेंट। ये जो नीचे वाला आंकड़ा है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द हायर दैट फिगर राइज द लेस रेस्ट आई गेट। यह जो
नीचे वाला आंकड़ा है, जब यह बढ़ता है, ऊंचा होता है, तो जितना यह बढ़ता है उतना ही मैं कम आराम करता हूँ। एंड विदाउट एडिकेट रेस्ट ए हार्ट सिंपली वर्क इट सेल्फ टू डेथ, और बिना पर्याप्त आराम के, एडिकेट का अर्थ है पर्याप्त, बिना पर्याप्त आराम के हृदय सामान्यतः स्वयं ही अपने मौत का कार्य करता है। यदि आराम नहीं करता है तो, या पर्याप्त आराम नहीं करता है तो, देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स जॉन्स कुड डू टू गेट हिज ब्लड प्रेशर डाउन, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो जॉन कर सकता है अपने रक्तदाब को कम करने के लिए, टू सेफर लेवल, सुरक्षित स्तर तक, सुरक्षित स्तर तक रक्तदाब को कम करने के लिए जॉन बहुत कुछ कर सकता है। द फर्स्ट इज टू गेट राइड ऑफ एक्सेस वेट, पहली चीज है कि वह अपने अतिरिक्त वजन को, अधिक भार को कम करे। ही वुड बी सरप्राइज्ड एट द ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर दैट वुड फॉलो, वह आश्चर्यचकित हो जाएगा रक्त के दाब में जो कमी आएगी उसको देखकर, यदि वो अपने वजन को कम करता है तो। स्मोकिंग इज अनदर थिंग, धूम्रपान एक दूसरी चीज है। जॉन स्मोक 40 सिगरेट ए डे, जॉन एक दिन में 40 सिगरेट का सेवन करता है या 40 सिगरेट पीता है, विच मीन्स ही मे बी एब्सॉर्बिंग क्वाइट एन अमाउंट ऑफ निकोटीन एवरी डे एवरी 24 आवर। इसका अर्थ है कि वह प्रत्येक 24 घंटे में निकोटीन की अच्छी मात्रा को शोषित करता है या निकोटीन की अच्छी मात्रा लेता है। दिस इज ए प्रेटी वायलेंट स्टफ, ये बहुत ही सुंदर आक्रामक पदार्थ है। सुंदर भी कहा है और आक्रामक भी कहा है। निकोटीन के सेवन से शरीर को, दिमाग को राहत मिलती है, इसलिए इसको प्रेटी कहा गया है, आदमी इसका आदि भी हो जाता है, और वायलेंट स्टफ कहा गया है, वायलेंट का होता है उपद्रव या उपद्रवी पदार्थ कहा गया है इसको, इसलिए कि ये जब शरीर में पहुंचता है तो तमाम तरह की व्याधियों को उत्पन्न करता है। इट कॉन्स्ट्रिक्ट आर्टरीज, यह आर्टरीज को, धमनियों को सिकोड़ देता है। कॉन्ट्रिक्ट का अर्थ है सिकोड़ना। पार्टिकुलरली इन द हैंड एंड फीट, विशेष करके हाथ और पैर की जो धमनियां हैं उनको सिकोड़ देता है। विच रीज द प्रेशर्स अगेंस्ट विच आई मस्ट वर्क, और यह उस दबाव को बढ़ा देता है जिसके विरुद्ध मैं कार्य कर रहा होता हूँ। इट ऑल्सो स्टिमुलेट मी सो दैट आई बीट मोर रेपिडली, यह मुझे इतना उत्तेजित कर देता है कि मैं और ज्यादा तेजी से धड़कने लगता हूँ। स्टिमुलेट का अर्थ है उत्तेजित करना। ए सिगरेट इंक्रीजेज माई बीट फ्रॉम ए नॉर्मल 72 into 80, एक सिगरेट मेरे सामान्य धड़कनों की रफ्तार जो कि 72 है वो 80 कर देता है, सिर्फ एक सिगरेट। जॉन टेल्स हिमसेल्फ दैट इट इज टू लेट टू गिव अप, जॉन खुद अपने आप से कहता है कि इसको छोड़ने के लिए अब तो बहुत देर हो गई है। स्मोकिंग, स्मोकिंग को छोड़ने के लिए, धूम्रपान छोड़ने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। दैट द डैमेज इज डन, नुकसान हो चुका है। बट इफ ही कुड गेट राइड ऑफ कॉन्स्टेंट निकोटीन स्टिमुलेशन थिंग्स वुड बी इजियर फॉर मी, लेकिन वह लगातार निकोटीन के उत्तेजना को, जो निकोटीन लेता है जिससे जो उत्तेजना होती है मुझे, उसको अगर वह उससे वो पीछा छोड़ा है, गेट राइड ऑफ का अर्थ है पीछा छुड़ाना, यदि वह मुझे उत्तेजित करने वाले निकोटीन से पीछा छुड़ा है तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। स्ट्राइव एट द टॉप, स्ट्राइव का अर्थ होता है संघर्ष, एट द टॉप उच्च स्तर का, उच्च स्तर का संघर्ष। जॉन कुड हेल्प मी इन अदर वे, जॉन मुझे या मेरी दूसरे तरीकों से भी सहायता कर सकता है।
ही इज कम्पिटिटिव एम्बिशियस द सक्सेसफुल बिजनेसमैन टाइप. वह प्रतिस्पर्धाकारी महत्वाकांक्षी सफल व्यापारी जैसा इंसान है. ही डज नॉट रियलाइज दैट हिज कॉन्स्टेंट फ्रेटिंग कंटिन्यूली स्टिमुलेट हिज एड्रेनल ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस मोर adrenaline and non-adrenalines. He does not realize, वह महसूस नहीं करता है that his constant fretting, जो कि उसकी जो लगातार चिंता करने की आदत है, वह जो हमेशा चिंता करता है कि उसकी चिंता करने की आदत से adrenal glands या adrenal ग्रंथि उत्तेजित हो जाती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में एड्रेनिल नाम का हार्मोन्स और नॉन एड्रेनिल नाम का हार्मोन्स स्रवित करती है. दिस हैज सेम रिजल्ट एज निकोटिन. और इन हार्मोन्स का जो असर होता है शरीर पर ठीक वैसा ही होता है जैसा कि निकोटिन का. टाइटेंड आर्टरीज यह धमनियों को कड़ा कर देती है. हायर ब्लड प्रेशर रक्तदाब को बढ़ा देती है. ए फास्टर पेस फॉर मी. और मेरी रफ्तार को भी तेज कर देती है. द पॉइंट इज दिस यहाँ पे बात यह है कि इफ जॉन रिलैक्सेस, यदि जॉन आराम करता है, आई रिलैक्स, मैं आराम करता हूँ, एंड ओकेजनली नैप वुड हेल्प, और कभी कभार की झपकी भी सहायक होती है. नैप का अर्थ है झपकी, ओकेजनल का अर्थ है कभी कभार, तो कभी कभार की झपकी भी सहायक होती है. एंड ही माइट ट्राई सम लाइट रीडिंग इंस्टेड ऑफ दैट स्टॉप ही ब्रिंग्स होम फ्रॉम द ऑफिस. और उसको कुछ हल्की फुल्की चीज़ें पढ़नी चाहिए इस सिवाय इसके कि वह उन जो पढ़ने की सामग्रियों को ऑफिस से लाता है, कार्यालय से लाता है घर पर, जो कार्यालय से संबंधित दस्तावेज, व्यापारिक दस्तावेज होते हैं, उसमें गहन चिंतन करने के जगह पे घर पे उसे हल्की फुल्की चीज़ें पढ़नी चाहिए. एक्सरसाइज अनदर थिंग. व्यायाम एक दूसरी चीज़ है. जॉन इज वन ऑफ दोज वीकेंड एथलेटिक्स. जॉन उन खिलाड़ियों में से है जो सप्ताहांत में खेलते हैं. वीकेंड एथलेटिक्स का अर्थ है जो सप्ताहांत पे ही खेलते हैं, नियमित नहीं खेलते हैं, तो जॉन उनमें से है. हु टेक इट इन बिग डोजेज. और ये इसको बड़ी मात्रा में लेते हैं, एक दिन ही खेलेंगे लेकिन खूब खेलेंगे. ही स्टिल लाइक्स दैट रसिंग अप टू द नेट बीट इन टेनिस. और टेनिस में जो नेट होता है उसके पास दौड़ना उसे पसंद है. मतलब टेनिस का जो नेट होता है उसके पास दौड़ने से अर्थ है कि टेनिस खेलना, टेनिस खेलने समय नेट के आगे पीछे दौड़ता है खेलने वाला, तो इसे टेनिस खेलना पसंद है. बट व्हेन ही डज दिस, लेकिन जब वह ऐसा करता है, माय नॉर्मल वर्क लोड इज इंक्रीज्ड बाय 5. लेकिन जब वह ऐसा करता है तो जो मेरा सामान्य कार्यभार होता है वो 5 गुना बढ़ जाता है. व्हाट जॉन शुड बी डूइंग इज टेकिंग रेगुलर माइल एक्सरसाइज. व्हाट जॉन शुड बी डूइंग, जॉन को क्या करना चाहिए, इज टेकिंग रेगुलर माइल एक्सरसाइज. क्या उसे नियमित रूप से कठिन व्यायाम करना चाहिए. ए वॉक ऑफ 1 किलोमीटर or 2 a day वुड हेल्प. प्रतिदिन 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की चहलकदमी या टहलना सहायक हो सकता है. क्लाइंबिंग ए कपल ऑफ फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर टू हिज ऑफिस वुड नॉट हर्ट आइदर. अपने कार्यालय की कपल ऑफ फ्लाइट्स ऑफ स्पेयर का अर्थ है कि अपने कार्यालय के सीढ़ियों पे कुछ, अपने कार्यालय की सीढ़ियों पे कुछ चढ़ना किसी तरह का नुकसान नहीं देगा. मतलब वो अपने कार्यालय में अगर सीढ़ियों से चढ़ता है तो ऐसा नहीं कितनी देर हो जाएगी कि कुछ नुकसान हो जाए. हिज ऑफिस इज ऑन द 10th floor. उसका जो कार्यालय है 10वें फ्लोर पर है. बट ही कुड वॉक अप द 1st 2 फ्लाइट्स एंड देन टेक द लिफ्ट.
लेकिन उसको अब पहले जो दो मंजिल हैं, पहले जो दो फ्लोर हैं उस पे सीढ़ियों के द्वारा चढ़ना चाहिए, उसके बाद लिफ्ट लेनी चाहिए। लिटिल थिंग्स लाइक दैट वुड डू ए लॉट, लिटिल थिंग्स लाइक दैट वुड डू ए लॉट। यह जो छोटी चीजें हैं यह बहुत कुछ हैं, ऐसा नहीं कि छोटी चीजें हैं तो अर्थहीन है, बहुत कुछ है। एस आई सेड, जैसा कि मैंने कहा, फैटी डिपॉजिट्स आर ऑलरेडी बिगनिंग टू ब्लॉक सम ऑफ माई आर्टरीज। वसा का जमा होना, जैसा कि मैंने कहा, आर ऑलरेडी बिगनिंग ऑफ ब्लॉक सम ऑफ माई आर्टरीज। वसा का जमा होना मेरी धमनियों में ब्लॉकेज या अवरोध उत्पन्न करता है, जैसा कि मैंने कहा, बट रेगुलर एक्सरसाइज वुड कॉज न्यू ब्लड पाथवे टू डेवलप। लेकिन नियमित रूप से व्यायाम करना रक्त के लिए नए रास्तों का विकास करता है, या रक्त के लिए नए रास्ते बनाता है। देन इफ वन आर्टरी क्लोज डाउन देयर आर अदर टू नरिश मी। और यदि कोई एक धमनी बंद हो जाती है तो मुझे पोषण पहुंचाने के लिए दूसरी धमनियां होती हैं, यदि जॉन नियमित एक्सरसाइज करता है तो। फाइनली देयर इज डाइट, और अंत में भोजन की बात करते हैं। आई एम नॉट आस्किंग जॉन टू बिकम ए डाइट फैनाटिक। डाइट फैनाटिक का अर्थ होता है एक विशेष प्रकार का भोजन करने वाला व्यक्ति। मैं जॉन को ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो एक विशेष प्रकार का भोजन करने वाला व्यक्ति बन जाए, मतलब परहेज करे कि नहीं खाना है, ये खाना है या सिर्फ यही खाना है। ऑल द सेम फैट्स सीम्स टू प्ले सम रोल इन बिल्डिंग अप दोज ब्लॉकेज फॉर्मिंग इन माई आर्टरीज। ऑल द सेम, फिर भी फैट्स सीम्स टू प्ले सम रोल, वसा कुछ भूमिका निभाती है इन बिल्डिंग अप दोज ब्लॉकेज, उन अवरोधों को बनाने में, फॉर्मिंग इन माई आर्टरीज, मेरी धमनियों में अवरोधों को बनाने में वसा फिर भी अपनी भूमिका निभाता है, कुछ भूमिका होती है वसा की। जॉन गेट्स 45% ऑफ हिज कैलोरीज फ्रॉम फैट। जॉन अपनी कैलोरी या अपनी ऊर्जा का 45% वसा से प्राप्त करता है। एंड लाइक अदर इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हु ईट सिमिलर फूड, और ठीक दूसरों की तरह जैसा कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज औद्योगिक देशों में एक ही प्रकार का भोजन करने वाले लोग करते हैं, हैज 50-50 चांस ऑफ डाइंग फ्रॉम क्लॉग आर्टरी। और इनके इनका जो क्लॉग आर्टरीज या अवरुद्ध धमनियों के कारण मरने का जो कारण होता है वो 50% तक का हो जाता है, जो एक निश्चित प्रकार का भोजन करने के आदि होते हैं। आई एम नॉट डिमांडिंग टाइप, मैं किसी विशेष प्रकार की मांग करने वालों में से नहीं हूं। आई विल डू द बेस्ट आई कैन फॉर जॉन अंडर माई अंडर एनी सर्कमस्टेंस। किसी भी परिस्थिति में मैं जॉन के लिए अपना बेहतर प्रदर्शन करूंगा। जस्ट द सेम आई विश ही वुड गिव मी ए फ्यू ब्रेक। लेकिन बस मैं कामना करता हूं कि वह मुझे थोड़े ब्रेक दिया करे, थोड़े आराम दिया करे। स्लिम डाउन ए बिट, थोड़ा पतला हो जाए जिससे मुझे आराम मिलेगा। टेक रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम करे जिससे नई धमनियां बनेंगी। रिलैक्स ए लिटिल मोर, थोड़ा आराम करें क्योंकि वह आराम करता है तो मुझे आराम मिलता है। कट डाउन ऑन फैट एंड स्मोकिंग, फैट यानी वसा और धूम्रपान में थोड़ी कटौती लाए, धूम्रपान का सेवन कम करे, वसा का सेवन कम करे। इफ यू वुड ओनली डू दीज थिंग्स, और यदि वह यह सब करता है, आई कुड कीप ऑन वर्किंग फॉर जॉन फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं जॉन के लिए लंबे समय तक कार्य करता रहूंगा।